वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। इस लेक्चर के माध्यम से हम फाइबर की डेंसिटी को जानेंगे कि हम फाइबर की डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारी फाइबर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर के रिस्पेक्ट में हम फाइबर की डेंसिटी को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। हम इस लेक्चर के माध्यम से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल और डेंसिटी को हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं डेंसिटी क्या होती है, फाइबर की डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी आर स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी आर स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज रिलेटिव मेजर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। हमारी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इट इज रिलेटिव मेजर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल मीन्स टेक्सटाइल मटेरियल से मतलब है यहाँ पे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ मटेरियल टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो है इट इज डिफाइंड एज, यानी हम डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ मटेरियल, मास ऑफ मटेरियल टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये सेम वॉल्यूम का हम वाटर लेंगे कितने, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसके मास को हम उस वाटर के मास से डिवाइड करेंगे मटेरियल के मास को, तो जो हमारा रेशियो आता है वो हमारा रेशियो जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी मटेरियल, इट अफेक्ट द ड्रेप ऑफ ए फैब्रिक। यानी हमारी डेंसिटी जो है मुख्य रूप से टेक्सटाइल मटेरियल में फैब्रिक के रूप में क्या इफेक्ट करती है, ड्रेप प्रॉपर्टी को, फैब्रिक के ड्रेप प्रॉपर्टी को इफेक्ट करती है। फाइबर ऑफ लो डेंसिटी टेंड टू गिव बल्कियर यार्न फॉर गिवन लिनियर डेंसिटी। यानी एक पार्टिकुलर लिनियर डेंसिटी पे, यानी पार्टिकुलर काउंट पे जो हमारा फाइबर होगा, जो फाइबर हल्का होगा यानी जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, वो फाइबर हमारा जो है बल्की फाइबर होगा, यानी यार्न बल्की होगा और यार्न से बनने वाला फैब्रिक भी हमारा जो है बल्की फैब्रिक होगा। तो यहाँ पे डेंसिटी का इंपॉर्टेंट एक रोल है, फाइबर को जो है कितना हमारा फाइबर, यार्न हमारा कितना कम्पैक्ट है, फैब्रिक हमारा कितना कम्पैक्ट है, कितना हेवी है, ये मटेरियल की फाइबर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये हम जो है इस डेंसिटी को टेक्सटाइल फाइबर की डेंसिटी को जो है वाटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। डेंसिटी इंडिकेट द मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड एक्सप्रेस द ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और पाउंड पर क्यूबिक फीट। डेंसिटी इंडिकेट द मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड एक्सप्रेस एज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं या पाउंड्स पर क्यूबिक फुट में एक्सप्रेस करते हैं। फैब्रिक विच आर कंपोज ऑफ हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी आर हेवियर देन दैट ऑफ द फैब्रिक प्रोड्यूस फ्रॉम द फाइबर ऑफ लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी इस टेक्सटाइल मटेरियल पे, यानी इस स्पेसिफिक ग्रेविटी का, फाइबर की स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी जिस फाइबर की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी वो फाइबर, वो उससे बनने वाला यार्न और बनने वाला फैब्रिक हमारा हेवियर होगा, भारी होगा, और जिस फाइबर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कम होगी उस फाइबर से बनने वाला यार्न हमारा बल्की होगा और हल्का होगा, और बनने वाला फैब्रिक भी हमारा बल्की होगा और हल्का होगा। तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी से फाइबर की हम जो है डेंसिटी, फाइबर की डेंसिटी से फैब्रिक का वेट और उसके ड्रेप प्रॉपर्टी को हम जो है ड्रेप प्रॉपर्टी हमें पता चलती है, फैब्रिक की ड्रेप प्रॉपर्टी कितना होगी। दूसरी चीज, हम जब फाइबर को मिक्सअप करते हैं, फाइबर की मिक्सिंग करते हैं, वहां पे हम डेंसिटी, इस फाइबर की डेंसिटी का ध्यान रखते हैं कि जो डेंसिटी का गैप है वो एक मेजर गैप मिक्सिंग में, जो हम दो फाइबर मिक्स कर रहे हैं वो हमारे जो डिफरेंट फाइबर, अलग अलग फाइबर हैं, ब्लेंडिंग हम कर रहे हैं, तो ब्लेंडिंग के केस में दो फाइबर, जो ऐसे फाइबर हम मिक्स नहीं कर सकते जिनके डेंसिटी में मेजर गैप हो, ज्यादा गैप हो, यानी हम वो फाइबर को मिक्स करेंगे जिनकी डेंसिटी काफी क्लोज हो, उस फाइबर को हम मिक्सिंग करते हैं, तो हमारी एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग ब्लेंडिंग होती है और बनने वाला यार्न और फैब्रिक भी हमारा यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पे हम जो है फाइबर की स्पेसिफिक ग्रेविटी को जानेंगे, डेंसिटी को जानेंगे। तो हम देखते हैं टेक्सटाइल फाइबर स्पेसिफिक ग्रेविटी और फाइबर डेंसिटी ग्राम पर सेमी क्यूब। कॉटन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54 टू 1.56, फ्लैक्स 1.50, जूट 1.48,
सिल्क 1.34, वूल फाइबर 1.30 से 1.38, रेमी 1.51, हेम 1.48, ग्लास फाइबर 2.54. ग्लास फाइबर की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइबर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है 2.54, एस्बेस्टस 2.10 टू 2.8, विस्कोस रेयन 1.52, नायलॉन 1.14. ये हमारी जो है यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं नायलॉन की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है काफी कम है, काफी कम है, तो ये फाइबर जो है हल्का होगा अगर हम इसको कंपेयर करें कॉटन फाइबर से या जो है दूसरे फाइबर से, वूल से, या हम जो है पॉलिस्टर से अगर इसको कंपेयर करें तो ये फाइबर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कम है, इसलिए फाइबर क्या होगा बल्कियर होगा, बल्की होगा और लाइट वेट हल्का भी होगा। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर की जो है हमारी डेंसिटी है 1.38, क्यूप्रोमोनियम 1.53, पॉलीयूरेथेन 1.15, पॉलीप्रोपाइलिन, यहाँ पे हम जो है पॉलीप्रोपाइलिन देख रहे हैं जो जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे कम है 0.90, यानी ये फाइबर एस और इससे बनने वाला फैब्रिक जो है इस तरीके का होगा कि अगर वाटर में अगर हम इसको फाइबर को या फैब्रिक को रखते हैं तो ये फ्लोट करेगा, तैरेगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है। अगर 1 से कम है वाटर में कभी डिप हो ही नहीं सकता, डूब नहीं सकता। पॉलीथाइलिन 0.92, पॉलीइथाइलिन 0.95, नायलॉन 6 1.13, नायलॉन 6 1.14। यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा ध्यान दें डेंसिटी का, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 में, नायलॉन 6 1.13 एंड नायलॉन 6 1.14, एक्रेलिक 1.14 टू 1.17, पॉलीविनाइल एल्कोहल 1.30। यानी हमें फाइबर की डेंसिटी को हमें माइंड में रखना चाहिए कि किस फाइबर की डेंसिटी कितना होती है, यानी दूसरे शब्दों में कहें कि इस डेंसिटी को हमें याद कर लेना चाहिए कि फाइबर की डेंसिटी कितना होती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल जब हम फाइबर की ब्लेंडिंग करते हैं वहां भी हमें काफी डिसीजन लेने में काफी जो है सुटेबल होता है, क्योंकि अगर हमें डेंसिटी पता है तो हम ब्लेंडिंग जो है उस तरीके से करेंगे, उस फाइबर की हम ब्लेंडिंग करेंगे जो काफी क्लोजेस्ट डेंसिटी रखते हो। तो इस लेक्चर के माध्यम से आपने फाइबर की डेंसिटी को जाना कि फाइबर की डेंसिटी को हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं और फाइबर की डेंसिटी कितना होती है। ये लेक्चर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।